अयोध्या में राम मंदिर, वाराणसी में विश्वनाथ धाम के बाद बीजेपी अब यूपी के मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर बनवाने की तैयारी कर रही है। यूपी के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले ब्रजेश पाठक ने जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे के साथ खास बातचीत की और मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर बनवाने को लेकर अपनी सरकार की राय रखी। ब्रजेश पाठक यूपी चुनाव में ब्राह्मणों के वोटों को लेकर भी आश्वस्त नजर आए। लेकर रोज नए मुद्दे उठ रहे हैं और इस बार के चुनाव पर ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। बीजेपी की रणनीति क्या रहने वाली है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है ब्रजेश पाठक। ब्रजेश जी, सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है ब्राह्मण वोट बैंक की, क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी का परंपरागत वोट ये माना जाता है, लेकिन बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस, तीनों इसी वोट के पीछे ज्यादा जा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज 70% भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उसके बहुत बड़े कारण हैं। कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश में, जो भारतीय संस्कृति को, भारत की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हम सबको इतिहास के बारे में जानकारी है। आज के 500-700 साल पहले भारत के जो स्थापित मंदिर थे, हमारी सांस्कृतिक विरासत थी, उन्हें तोड़ा गया, ध्वस्त किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसी सभी सांस्कृतिक विरासतों को मजबूत करने का काम किया। प्रभु राम का मंदिर जिस प्रकार पूरे दुनिया में चर्चा प्रभु राम के मंदिर की अयोध्या में चल रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मेहनत लगन के फलस्वरूप अयोध्या में भव्य प्रभु राम का मंदिर बन रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की चर्चा आज पूरी दुनिया में है। काशी नगरी जो कहा जाता है, बाबा भोलेनाथ के, महादेव के त्रिशूल पर बसती है, तो काशी को पूरी दुल्हन की तरह सजाया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो लोकार्पण हो रहा था, पूरे प्रदेश से हजारों की संख्या में बुजुर्ग ब्राह्मणों के फ़ोन मेरे पास आए। उनका कहना था कि जो मेरा सपना था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको पूरा किया है। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, और कोई इसे नहीं कर सका। और इसके अलावा आप देखते होंगे कि चर्चा अभी हाल में चली कि मथुरा में भगवान कृष्ण के मंदिर को और भव्य बनाया जाए। तो मेरा मानना है कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, और लोग चाहते हैं, जहाँ जहाँ भारत को मानने वाले लोग हैं, अपने भारत की सांस्कृतिक विरासत को मानने वाले लोग हैं, उनका मानना है कि ये सिर्फ भाजपा ही कर सकती है। ब्रजेश जी, आप ये कह रहे हैं कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर और ज्यादा भव्य बन सकता है, जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है या फिर राम मंदिर बन रहा है, उस दिशा में बीजेपी काम करेगी, और क्या आने वाले चुनाव में ये घोषणा पत्र में भी एक बड़ा मुद्दा जिस प्रकार इसकी आप चर्चा कर रहे हैं, इसको सीमा में मत बांधिए। ये प्रत्येक भारतवासी चाहता है कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भव्य बने। उसका कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण हमारी आराध्य हैं, उनकी कृपा से चराचर जगत चलता है। अगर आप हिंदू मैथोलॉजी पर थोड़ा अध्ययन करके जाएंगे तो भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण ही चराचर जगत के चलाने वाले हैं। वही हवा, सूर्य, चंद्रमा, हमारी आपकी सांसें वही चला रहे हैं। तो हर व्यक्ति के मन में ये है कि भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर वहां बने। ब्रजेश पाठक जी, यानी जो नारा बीजेपी के समर्थक ये लगा रहे हैं कि अयोध्या, काशी तो झाकी है, मथुरा अभी बाकी है, आप उसी नारे को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इन भारतीय सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के साथ साथ उन लोगों के बारे में भी सर्वाधिक चिंता की है। आप सोचिए, एक सामान्य व्यक्ति को जो गरीब घर में पैदा हुआ, उसे जीवन जीने लायक हर व्यवस्था नहीं उपलब्ध होनी चाहिए आज़ादी के 70-73 वर्षों में? कांग्रेस पार्टी ने इस देश में 50 वर्षों से अधिक लगातार शासन किया, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। ब्रजेश पाठक जी, लेकिन क्या कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बनना इस बार एक बड़ा मुद्दा होगा चुनाव में? असल जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं, चुनाव हम डेवलपमेंट के नाम पर लड़ रहे हैं, भारतीय सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के नाम पर लड़ रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र तैयार हो रहा है, उसके बाद ही स्पष्ट रूप से मैं कुछ कह पाऊंगा, लेकिन यह हमारे मन में है, प्रत्येक भारतवासी के मन में है। तो ये थे ब्रजेश पाठक, जी न्यूज से बातचीत में कहा कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनना चाहिए, यानी ब्रजेश पाठक के बयानों से यह साफ है कि मथुरा एक बड़ा चुनावी मुद्दा बीजेपी के लिए इस बार रहने वाला है। कैमरामैन धीरेंद्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।